स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में, जहाँ पे मेरे पास है XUV700 का सबसे टॉप एंड वेरिएंट AX7L पेट्रोल ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है। अगर आप पेट्रोल की बात करते हो तो इससे ऊपर कोई भी वेरिएंट आपको जो है नहीं देखने को मिलता है। आज के वीडियो में जो है इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखो, डिटेल्ड वीडियो नहीं है, फीचर्स वगैरह में क्या कुछ मिलता है ओवरऑल थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, बट आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपने टाइटल थंबनेल वगैरह देखा ही होगा कि भाई मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि XUV पे चल रहा है 2 लाख रुपए का डिस्काउंट। अब कैसे चल रहा है कैसे नहीं है वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो जो इसका एक्चुअल प्राइस है वो बता देता हूँ। पेट्रोल के अंदर ये वाला वेरिएंट आपको 23,50,000 रुपए जो है एक्सोरूम कॉस्ट करता है। जब अगर आप ऑन रोड लेने जाते हो तो लगभग आपको जो है ये 26, 26.5 के आसपास पड़ती है। अब महिंद्रा ने बोला जब थार वार पे सब पे ऑफर चल ही रहा है, सारी दुनिया ऑफर दे रही है, तो क्यों ना हम भी ऑफर निकाल देते हैं। इन्होंने जो है अब अपनी XUV700 के दो वेरिएंट के ऊपर AX7L और AX7 नॉर्मल, जो लग्जरी और नॉर्मल लग्जरी वाला जो आता है उसके ऊपर जो है 2 लाख रुपए का फ्लैट इसके शोरूम प्राइस पर डिस्काउंट निकाला है। ऑन रोड आते आते ये लगभग 2.5 लाख के आसपास का आपको पड़ेगा, तो ये सही टाइम है। अगर आपको 700 चाहिए थी, अगर आपको लेना था, तो आप AX5 छोड़ के AX7L के ऊपर आ सकते हो। अगर आपका थोड़ा और बजट है तो आप लग्जरी के ऊपर भी जा सकते हो। इसका वाइपर ऑन है, इसको बंद कर देते हैं, फिर मैं आपके साथ और कुछ चीजें शेयर करता हूँ। लाइट वगैरह को भी बंद कर देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं। अब मैं आपको देखो फीचर्स वगैरह में कुछ चीजें शेयर करता हूँ। मैंने आपको प्राइस बता दिया, ऑटोमेटिक वगैरह वाला वेरिएंट है और रेड कलर के अंदर है। देखो कलर वगैरह तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए, बट अगर आप इसे सफारी वगैरह से कंपेयर कर रहे हो ना और हैरियर वगैरह लेने जा रहे हो, मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि आप उनको छोड़ के ये लो महिंद्रा की XUV700, आप खुश रहोगे। सर्विस एक्सपीरियंस भी ठीक ठाक सही मिलेगा, इतना तो नहीं है कि हाँ बहुत ही अल्टीमेट मिलेगा, बट आपको बढ़िया मिलेगा, टाटा से तो बहुत ही बढ़िया मिलेगा, और साथ में आपके पैसे भी बच जाएंगे। और सेम गाड़ी है, 7 सीटर वाला कॉन्फिगरेशन है। 5 सीटर में चाहिए वो भी ऑप्शन है, थोड़ा सा प्राइस वहाँ पे कम है, बट वहाँ पे ऑफर वगैरह नहीं है। ऑफर सिर्फ दो वेरिएंट के ऊपर है, AX7 और AX7L के ऊपर। पेट्रोल डीजल दोनों के अंदर आपको मिलेगा, ऑटोमेटिक मैनुअल उन दोनों के ऊपर मिलता है। अब देखो थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में। जैसे सबसे पहले महिंद्रा का आपको लोगो मिल जाता है, फ्रंट कैमरा आपको दे रखा है, एडास वाले सारे फीचर आपको देखने के मिलने वाले हैं। तो अगर आपको चाहिए था कि एडास वगैरह चाहिए तो वो भी आपकी जो जरूरत है वो भी पूरी हो जाएगी। ग्रिल वगैरह में ऐसे ज्यादा कुछ है नहीं, बाकी हेडलाइट वगैरह ऑटोमेटिक आपको मिलती है, एलईडी सेटअप है, रिफ्लेक्टर सेटअप के अंदर, साथ में बूस्टर हेडलैम्प का ऑप्शन मिलेगा। जैसी गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जाती है तो एक लाइट इसके अंदर एक्स्ट्रा है जो की ऑन हो जाती है, ताकि विजिबिलिटी वगैरह जो है वो थोड़ी सी आपकी इम्प्रूव हो सके। बाकी DRLs वगैरह आपको मिल जाते हैं। नीचे की तरफ देखोगे तो एलईडी फॉग लैम्प आपको यहाँ पर मिल जाती है। और दूसरी चीज भाई देखो, महिंद्रा है XUV, इंजन वाइज तो मतलब नाम चलता है महिंद्रा का, XUV सेगमेंट में सबसे बड़ा लीडर है। जैसे N 4x4 थार EV, XUV 3XO, और उधर रेड वाली थार गाड़ी है नॉर्मल वाली। तो भाई XUV सेगमेंट में ना महिंद्रा को कोई भी नहीं हरा सकता भाई, इतने टाइम से इनकी XUV आ रही है। और स्पेशली इंजन लाइन तो भूल जाओ, जैसे टाटा वगैरह आजकल कोशिश कर रहे हैं ना, लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया था, नेक थोड़ी सी सनरूफ क्या लीक हो गई थी, अब किसकी वजह थी किसकी नहीं वो तो मैं आपको नहीं बताना चाह रहा, पर ठीक है। बाकी देखो अलॉय व्हील्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, महिंद्रा का आपको लोगो दे रखा है, आगे पीछे दोनों तरफ आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, और ABS CVT वाली जो चीज है वो स्टैंडर्ड आने वाली है। बाकी एडास वाले जो फीचर है जैसे फ्रंट कोलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग वगैरह, ये सारी चीज आपको मिलती है। बाकी एक बार टायर देख लो, वंडर्ड वाले जो टायर मिलते हैं MRF के, और जो इसका प्रोफाइल है वो 235/60/18 18 इंच के जो है यहाँ पे आपको रिम का साइज मिल जाता है। रेन सेंसिंग वाइपर आपको दे रखा है, और जो एडास वाला कैमरा है वो आपको ऊपर की तरफ मिल जाता है। ORVM वगैरह देख लो, यहाँ पे कैमरा मिल जाता है। फ्रेमलेस डिजाइन वाले जो डोर हैंडल्स है वो आपको मिल रहे हैं। कर्व आजकल बड़ी हल्ला कर रही है ना भाई, महिंद्रा ने कब के दे दिए ये, समझ में आ गई। बाकी देखो फुल साइज पैनलों में रूफ मिल जाती है, और रूफलेस वगैरह आपको दे रखे हैं, शार्क फिन एंटेना आपको मिल जाता है। अब देख लो भाई आपके ऑफर के टाइम पे अगर आपको परचेस करनी है, मेरे हिसाब से तो बढ़िया टाइम है। बाकी पियानो ब्लैक ये मिल जाते हैं, यहाँ से पुश टू ओपन का यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है, पेट्रोल वाला वेरिएंट है यहाँ से देख ही सकते हो। एड्रोनिक्स कनेक्टेड कार वाले जो फीचर्स हैं वो आपके यहाँ पर मिल जाते हैं। टेल लाइट्स वगैरह देख लो, रियर कैमरा है, टॉप एंड वेरियंट की बैजिंग है, बट यहाँ से थोड़ा सा ये एक्स हट गया भाई, AX7L वाला वेरियंट है, बाकी XUV700 की बैजिंग। और बटन प्रेस करके देखे तो भाई मैनुअल मिलता है, ऑटोमेटिक नहीं आता, थोड़ी सी कमी वाली चीज है। बाकी 7 सीटर है तो बूट स्पेस इतना ज्यादा नहीं मिलेगा, छोटा मोटा कुछ बैग रखना चाहते हो रख सकते हो, और अगर आपको लगेज ज्यादा रखना है आप इसको इस तरीके से जो है फोल्ड कर सकते हो, लो जी बेड बन जाएगा, आराम से सो कर ट्रेवल करो। स्पेयर व्हील निकालना चाहते हो उसका ऑप्शन है, सारी टूल किट्स वगैरह आपको यहाँ पे मिली जाती है।
और जो एक बार इसका मैं वो दिखाता हूँ, इसको जरा फिक्स कर देते हैं अपनी जगह पे। आई थिंक इसकी वजह से दिक्कत हो रही है, अब ठीक है। अब मैं आपको देखो इसको पूरा फिट करके दिखाता हूँ, ये हो गया। स्पेयर व्हील देख लो, मेन सस्पेंशन वगैरह है वो आप देख लो, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन आते हैं सेगमेंट में, पहली गाड़ी है इस प्राइस ब्रैकेट में जिसके अंदर आपको रियर में भी जो है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिलते हैं। तो राइड क्वालिटी तो दूर दूर तक भाई कंपैरिजन नहीं है। बाकी एग्जॉस्ट पाइप वगैरह देख लो, और सेंसर पीछे आपको जो है मैं एक बार दिखाता हूँ, टोटल दो मिलते हैं, और कैमरा वगैरह मैंने आपको दिखाई दिया। और लास्ट चीज एक और देखो, अगर आपको ये भी कम लग रहा हो ना, आ जाओ आप इस वाले लीवर को इस तरीके से करो, लो जी। और अब एक बार उस साइड का और करके दिखा देता हूँ, बूट स्पेस ये देखो, आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हो, बट हम जो है इसको नॉर्मल रहने देते हैं ताकि किसी को सो के ट्रेवल करना है ना। गाड़ी की लंबाई भाई अब देखो, ये लो जी बूट स्पेस, 1100 समथिंग लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। अगर आप एग्जैक्ट देखना चाहते हो मैं मेंशन कर दूंगा स्क्रीन पे, थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। बाकी कवरिंग क्वालिटी वगैरह टाटा वगैरह दूर दूर तक नहीं है भाई, टाटा में तो इतने दूर दूर तक पैनल गैप होते हैं जिसका हद नहीं। बाकी वॉशर वगैरह देख लो, ये सारी चीजें मिलती हैं आपको टॉप एंड में, फ्रेमलेस इलेक्ट्रिकली डोर हैंडल्स। अब देखो इसको बंद करते हैं, मैं आपको कुछ चीजें चेक कराता हूँ। देखो इसको करते हैं बंद, इसको भी करते हैं बंद, अब मेन चीज देखते हैं भाई इसकी। ये देखो बंद हो गया, ये देखो जी, ऐसा नहीं आपको बटन दबाना पड़ेगा, टच करो और खुल जाएगा अपने आप। बाकी चारों पार विंडोज मिल जाते हैं, ऑटो डाउन दे रखा है इधर साइड, ऑटो अप भी मिलता है, और एक बार उधर साइड देखें तो वो नॉर्मल है भाई, उसमें ऑटो अप ऑटो डाउन जो है नहीं मिलता है। बाकी स्टेयरिंग व्हील वगैरह देख लो, ऐसा आपको ज्यादा फर्क नहीं फील होगा। बाकी वेलकम फीचर और अपने ORVM में मेमोरी फीचर, ये सारे तो देखो टाइम टू टाइम महिंद्रा जो है इसमें अपडेट करता ही आ रहा है, मैंने आपको दिखाया ही होगा। कनेक्टेड स्क्रीन वगैरह ये सारी चीजें अब तो आम हो गई है ये चीजें। बाकी यहाँ पे अगर आप इसको इस तरीके से प्रेस करोगे, इतना कुछ स्पेस मिल जाता है ग्लो बॉक्स के अंदर, पूरा ही आपको जो है लेदर है, डैशबोर्ड दे रखा है ऊपर वाला हार्ड प्लास्टिक के अंदर मिलता है। लाइटिंग वगैरह देखो, सनरूफ देखो भाई, सनरूफ अगर किसी को सनरूफ चाहिए। बाकी सेंटर कंसोल देखो, पूरा पियानो ब्लैक, महिंद्रा का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, तो फ्लैगशिप वाली जो वाइब है ना वो आपको अंदर बैठे हुए तभी आएगी। ऐसे वीडियो में देखने से आप फीचर वगैरह जरूर से देख सकते हो, बट इतना आइडिया नहीं लग पाएगा। बाकी सारे विंडोज को ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सीट्स के कंट्रोल्स, वेलकम फीचर मिल जाता है, वेंटिलेट सीट्स आगे पीछे दोनों दे रखी हैं, सॉरी ये दोनों, सॉरी को ड्राइवर और ड्राइवर वाली, पीछे वाली नॉर्मल आती है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है। यहाँ पे कुछ और अगर आप स्क्रीन वगैरह को टॉगल करना चाहते हो, मेरे को आपको ऑन करके दिखाना पड़ेगा। ये जो ये चीज देखो जी, फुल स्वाइप अप मीटर मिलता है, स्क्रीन वगैरह ऑन हो गई है। सोनी की तरफ से 9 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम आपको मिलने वाला है। बाकी होम पे चलना चाहते हो इस तरीके से प्रेस कर दो, होम पे आ जाओगे। और बताओ, बाकी ऊपर LED रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं, यहाँ से मून रूफ वगैरह का ऑप्शन है, ऑन कर दें, लो जी ऑन हो गई। अब इसको बंद कर देते हैं, बाकी सनरूफ खोलना चाहते हो वो ऑप्शन है, उसके अलावा तो ज्यादा कुछ है नहीं। बाकी एक और चीज यहाँ और देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वैनिटी मिरर जरूर से मिल जाएगा, साथ में ऊपर लाइट भी दे रखी है। और देखो अगर आपको सीट आगे पीछे करनी है ना, ये लो बैठे बैठे आप यहाँ से कर सकते हो आराम से, पीछे वाला बंदे को कंफर्ट चाहिए खुल के बैठो भाई। बाकी स्पेस वगैरह सच ज्यादा कुछ बताने लायक है नहीं। बाकी यहाँ पे देख लो, की रखने के लिए स्पेस दे रखी है, आप इसकी डिटेल्ड वीडियो देख लेना, आपको सारी चीजें जो है यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। अब चल लेते हैं पीछे, एक बार पीछे देखते हैं कि पीछे क्या कुछ है। मैं वैसे कोशिश कर रहा हूँ छोटी वीडियो ही बने, क्योंकि ज्यादा कुछ ऐसा सच देखो, सीट अपने आप आगे चली जाती है अगर आपको नहीं दिखाया ना। देखो ये देखो जी, ये देखो नीचे जा रही है अपने आप, और बंद कर दोगे ना, ये देखो अपने आप ऊपर चली गई। तो ये फीचर आपको मिलता है इस बजट में, कोई और ऑफर कर ही नहीं रहा है। बाकी ओवरऑल सीट की क्वालिटी देख लो, ISO 41 एंकर्स सेफ्टी में, जो बीच वाला बंदा है उसके लिए लैप बेल्ट दे रखी है, क्योंकि ये गाड़ी पहले आई थी, अब जो है अब आती तो 3 पॉइंट जरूर से मिलता आपको। यहाँ पे दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं, लोसन रूफ का व्यू। बाकी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो जरूर से देख सकते हो। और अब एक बार इंजन दिखाता हूँ जरा आपको, मैं महिंद्रा के डीजल इंजन एक्चुअल होते कैसे हैं वो दिखाता हूँ, आ जाओ। एजार्ड ऑन हो जाएंगे जैसे ही आप इसका बोनट खोलोगे भाई। देखो वेट वगैरह तो इतना ज्यादा है कि भाई पूछो ही मत, 5 स्टार सेफ्टी वैसे आपको पता ही होगा। और इंजन देख लो जी, ऐसा कुछ कंप्लीट इंजन पे जो है इसका लेआउट है,
वॉशर फिल करना चाहते हो उसका ऑप्शन, कूलेंट फिल करना चाहते हो उसका ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, और साथ में इंसुलेशन वगैरह मिल ही जाती है। बाकी पूरा ही पैक्ड आपको बहुत ही कम दिखेगा, ऑयल डिप वगैरह है। बाकी इंजन के पावर वगैरह के बारे में बात करें, थोड़ा सा मैं आपको इंजन के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे आपको जो है 2.0 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 197 bhp की और 380 Nm का टॉर्क। तो आप सोच रहे हो पावर और टॉर्क क्या मिलने वाला है यहाँ पे आपको, परफॉर्मेंस भर भर के आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बट एक चीज भर भर के नहीं मिलेगी, भर भर के ये आपका खून जरूर से पिएगी, क्योंकि ये गाड़ी आपको रियल लाइफ में 5 से 7 के बीच में एवरेज देगी सिटी वगैरह के अंदर। तो अगर आपका बजट इतना है आप अफोर्ड कर सकते हो, आंख बंद करके चले जाओ। लुक वाइज, फीचर वाइज और सेफ्टी तीनों चीजों में, कंफर्ट वगैरह में अल्टीमेट प्रोडक्ट है महिंद्रा की तरफ से। तो बाकी कर देते हैं इसको बंद, यही सारी चीजें थी इस ऑफर वगैरह से रिलेटेड, और थोड़ा बहुत मैंने आपको फीचर वगैरह के बारे में बता दिया इसके अंदर। बाकी डिटेल्ड में जानना चाहते हो जरूर से जा सकते हो। तो कर देते हैं आज की वीडियो के एंड, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी और नई वीडियो के अंदर। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।